बागेश्वर में उपजिलाधिकारी हरगिरी की अध्यक्षता में दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी हरगिरी ने सभी व्यापारियों, सीएलसी सदस्यों और आम जनमानस से त्योहार के मौके पर शांतिपूर्वक दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा ने सभी व्यापारियों से दीपावली पर्व में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सहयोग करने की अपील की है। वहीं कोतवाल कैलाश नेगी ने सभी व्यापारियों से यातायात शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है। इस दौरान अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई करने की भी पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई है। आगामी कुछ दिनों बाद जो दीपावली है और दीपावली का त्यौहार 2-3 दिन रहता है, क्योंकि शहर में बहुत भीड़ रहती है और इसलिए आज एक हमारी शांति कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें हमने शांति कमेटी के सारे मेम्बरान और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि और व्यापार मंडल के पदाधिकारी और संभ्रांत लोग थे, उनके साथ एक मीटिंग आहूत की ताकि जो आगामी जो 3 दिन होंगे दीपावली के, उसमें शहर की व्यवस्था किस तरीके से हम बहुत अच्छे सुदृढ़ कर पाएंगे, जिसमें लोगों का पैदल मूवमेंट भी होता है और जो शहर में आने वाली गाड़ियाँ उनको हम कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। तो इसके लिए मीटिंग ली और ये तय हुआ कि जो 3 दिनों में जो शहर को क्रॉस करके शहर से बाहर जाने वाले लोग होंगे वो बाईपास से अपने गंतव्य तक जाएंगे और शहर के अंदर वाले लोग उन 3 दिनों में चारों दिशाओं में जो हमारी रोड और बाज़ार है, बाज़ारों के लास्ट पॉइंट में हमारा जो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के वो स्टे पॉइंट होंगे और उससे अंदर बाज़ारों तक लोग पैदल आएंगे। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अलाउ करेंगे जिसमें कोई इमरजेंसी होगी या कोई आकस्मिकता मौके पर दिखती होगी, अन्यथा सभी लोग अंदर पैदल मूवमेंट करेंगे। इस पर सबने सहमति भी व्यक्त की और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारी पटाखे की बाज़ार है उसके लिए भी हमने जो निर्देश इनको पहली मीटिंग में दी वो आज उनको फिर आगाह किया और यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि उसके अलावा बाज़ार में किसी कोने पर भी किसी भी सीमा तक कोई भी पटाखे अपने बाज़ार में नहीं रखेगा और नहीं बेचेगा। अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। आज जो हमारी व्यापारियों के सामने के साथ और शांति सुरक्षा समिति जो है उनके साथ जो बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ कि दीपावली के समय पर सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी है कि हमारे जितने भी बाईपास है जो गाड़ियाँ सीधे जिनको हल्द्वानी या गरुड़ोगरो जानी है वो बाईपास का यूज करेंगे और जिनको मार्केट के अंदर आना है जैसे भड़ारी की तरफ से आने वाले कपकोट की तरफ से भड़ारी स्टैंड में और इधर गरुड़ की तरफ आने वाले हमारे कोतवाली के पास में जो गरुड़ का स्टैंड है वहाँ पर तथा जो हमारे कांडा की तरफ से आएंगे वो भागरती की तरफ बड़ी गाड़ियाँ तथा छोटी जो 2-व्हीलर आएंगे वो हमारे करण शॉप तक आ सकती हैं और इसी तरह से जो हमारे तहसील ताकुला की तरफ से आती हैं वो गाड़ियाँ जब तक हमारे ये बगीचा वाला पार्किंग है उसमें हम डालेंगे, जब वो फुल हो जाएंगे तो फिर हम उनको पीछे ही वहाँ पर मंगल प्लेस के पास में ही रोकना शुरू कर देंगे और इसके साथ साथ अगर किसी को सामान लाना है तो वहाँ पर हम रिक्शा या इस तरह से मजदूरों की व्यवस्था कर देंगे कि अपना सामान जो है वह मार्केट से मंगा सकते हैं। 4-व्हीलर हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उस समय इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सुरक्षा की दृष्टि से हम अधिक से अधिक पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, जितने भी हमारे पुलिस लाइन में ऑफिसों के या हमारे कोर्ट में जो भी पुलिस छुट्टियाँ रहती हैं तो उनको हम दीपावली में अधिक से अधिक पुलिस फोर्स को लगाएंगे और साथ ही साथ जो पटाखा बाजार के लिए एक निर्धारित समय हमारे IDM साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी सभी व्यापारियों के, वह तय हो गया कि हाँ सरयू बगड़ में ही सभी जो है पटाखों की दुकान लगेंगी और उसमें हमारे फायर ब्रिगेड द्वारा भी निर्धारित किया गया है उन मालूकों का पालन करेंगे और अंदर भी जो है हमने व्यापारियों के साथ बैठक करके उनको भी बता दिया कि वो अतिक्रमण न करें, केवल जहाँ पर लाइन खींची है वहीं तक अपनी दुकानें बढ़ाएंगे, अगर कोई इस तरह मैं उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उद्दंड या उपद्रवी तत्वों पर विशेष निगाह रखी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांति और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद रहेगी। CCN न्यूज के लिए बागेश्वर से रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।